अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर की बात करें तो 80% तो ये 9th वाला कोर्स ही है, बस कुछ डिटेल ज्यादा है और चंद टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो आए सीखना शुरू करते हैं। मेयरमेंट्स, पैमाइश। अब हम रोजमर्रा जिन चीजों से वास्ता पड़ते हैं उनकी कुछ पैमाइश हैं, हम मापते हैं। जिस तरह वक्त है, ये क्वांटिटी हम मेयर करते हैं मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में। हम गाड़ियां वगैरह व्हीकल चलाते हैं, उसमें स्पीड आ जाती है। या आजकल डिवाइस काफी इन है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होती है ताकि कोरोना का देखा जा सके, और वॉल्यूम। इसी तरह हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में कोई चीज ऐसी नहीं है जहाँ मेजरमेंट ना हो। हमारी डिवाइसेज हैं उसमें मेजरमेंट्स हैं, हम दुकानों पे जो चीजें लेन देन करते हैं उसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व है, करेंसी नोट्स हैं उसमें मेजरमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये मेजरमेंट्स की जो बेसिक्स है ये हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। तो पहले हम मेजरमेंट्स को सीखेंगे, फिर उसी से आगे काफी चीजों को मेजर करेंगे और कुछ लॉज एंड कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो इन द बिगिनिंग पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता था नेचुरल फिलोसफी के नाम से। उस पर जितना भी साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर हुआ था वो सारा उसी में स्टडी होता था। देन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक फिजिकल साइंसेज जो नॉन लिविंग्स को डील करती है एंड बायोलॉजिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर देन आगे मजीद कुछ चीजें डिस्कवर होती गई तो उसको फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी, अदर वो साइंसेज हैं। हमारा चूंकि सब्जेक्ट फिजिक्स है, हम इसको आगे लेकर चलते हैं कि उसमें हम क्या क्या देखेंगे। फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, साइंस किन इलाकों को, किन सरहदों को डील करती है, किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो उसमें एक है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही बड़ी चीजें जिसमें यूनिवर्स बजाते खुद आ जाता है, जिसमें मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं, नेब्यूलाज हैं और क्लस्टर्स बन के बड़ा ही ह्यूज है। और देन उसको स्टडी करने के लिए हम रेडियो टेलीस्कोप यूज करते हैं, ये आउटर स्पेस से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये उसकी एग्जाम्पल में आ गया। द अदर इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटी चीजें जिन्हें हम अगेन आंख से नहीं देख सकते, ना स्पेस को पूरी तरह हम आंख से देख सकते हैं कि स्पेस कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल है एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो आपने पढ़े हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा पार्टिकल्स हैं जिस तरह फिगर में शोन है। और फिर जो आती है जिसको हम आम आंख से कुछ हद तक देख सकते हैं, द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, जो दरमियाने साइज की चीजें हैं। ये मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है, एक तरफ जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल हम पानी को आम आंख से देख सकते हैं, और अर्थ तक इस रेंज के अंदर, इस साइज लिमिट में जो चीजें आती है वो द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स हैं। उसमें मैं, आप, हमारे गिर जितनी भी चीजें अभी नजर आ रही हैं तो वो द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स हैं। अब उसी के अंदर कुछ डिटेल में चले जाएंगे तो उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल भी शामिल है, जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी के वो वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज में भी आ जाएगी, क्योंकि तार वगैरह बजाहिर हम देख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल के अंदर जो करंट है वो फिनोमिना हम उस तरह नहीं देख सकते फिजिकल आई से। नेक्स्ट, फिजिक्स तो हमारा सब्जेक्ट ही है, इसकी डेफिनेशन को हम देख लें। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में दो चीजें हैं उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। पहला मैटर, मादा, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन क्या है। अब इन्हीं वर्ड्स को देख लें। मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो कुछ वजन रखती हो और जगह घेरती हो तो वो मैटर है। हमारे गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं, कुर्सी, आप, मैं, बुक्स, ये स्क्रीन, ये सारा मैटर है, क्योंकि ये कुछ जगह भी घेरती है और इसका वजन भी है। एग्जाम्पल्स आ गई। अब एक क्वेश्चन है, एयर, क्या एयर मैटर है या नहीं, तो उस चीज पे सोचें जरा। मैटर के लिए कंडीशंस दो ही हैं कि मैस रखती हो और जगह घेरती हो। तो इसकी इलस्ट्रेशन एक देख लेते हैं समझने के लिए कि बैलून है, बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो जगह घेरता है, बिल्कुल ठीक। और द नेक्स्ट थिंग, अगर बैलून को छोड़ दें तो वो जमीन पे आ गिरता है, मींस के हवा के वजन की वजह से। तो हवा जगह भी घेरती है और वो वजन भी रखती है, सो एयर इज मैटर। नेक्स्ट, एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म की सलाहियत कुछ काम करने की।
जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपने स्टडी कर चुके हैं, और अब हमारी एनर्जी है काम करने की एनर्जी, और इसी तरह हीट, साउंड, लाइट, ये सारी एनर्जीज हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ काम लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फैन ऑन किया हमें, उससे वर्क हम लेते हैं। हीट एनर्जी है, उससे चीजें बना लेते हैं, पका लेते हैं। सो ये उनके यूजेज हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन पढ़ते हैं, कि जैसे खाना बनाना है उसमें मैटर है, वो हमारा खाना है, और एनर्जी उसे हम हीट की फॉर्म में देते हैं, वो कुक हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट फिनोमिनाज है, हमारी व्हीकल, गाड़ी, वो मैटर है, पेट्रोल से हम उसको एनर्जी देते हैं और वो वर्क करती है, मूव करती है, और ये फिजिक्स का एक फिनोमिना है। इसी तरह घड़ी का मूव करना, उसमें सेल है, वो उसको एनर्जी देता है, और वो सारा मैटर है जो मूव करता है, हमें टाइम का पता चलता है। तो ये फिजिक्स का एक जनरल ओवरव्यू है। अब फिजिक्स के एरियाज काफी हैं, जिनको आपने ब्रांचेस के नाम से पहले देख चुके हैं, जिनको फिजिक्स डील करती है। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ये सारे फिजिक्स के सब ब्रांचेज हैं। इसमें आप फर्दर हायर स्टडीज भी कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स दूसरे डिसिप्लिन से, दूसरी ब्रांचेज से कैसे डील करती है। एस्ट्रो यानी कि एस्ट्रोलॉजी के साथ फिजिक्स आ गई, बायो बायोलॉजी के साथ उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और उसका यूजेज आ गया, केमिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। तो मुख्तसर ये कि फिजिक्स हर ब्रांच को किसी ना किसी तरह सर्व करती है, उससे रिलेट कर रही है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखें तो 19th सेंचुरी से पहले लॉज ऑफ मोशन, ये चीजें डिस्कवर हो चुकी थी, और उसमें एक दफा समझ लिया गया था कि फिजिक्स का जो इलम है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन फिर अचानक आपने केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ेंगे कि एक्सरेज क्या होती हैं, ये फिनोमिना डिस्कवर हुआ कि एक्सरेज होती हैं, वो किस तरह एक एटम से रिलीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाकर, और उससे कुछ नई चीजें डिस्कवर हुई, एटम्स की, मैटर की मजीद इंटरनल डिटेल्स का पता चला कि उसके अंदर मजीद गहराई के अंदर क्या है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का हमें उससे पता चला। तो फिर जो नॉलेज डिस्कवर हो चुका था, जो चीजें हमने डिफाइन कर ली थी, उनको एक्सरे से और जो अदर फिनोमिनास डिस्कवर हुए थे, तो उससे दोबारा स्टडी किया गया। इसीलिए फिजिक्स की दो मेन हम हिस्ट्री के हवाले से टाइप्स डिफाइन कर लेते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स है। तो क्लासिकल इससे पहले पहले की, और एक्सरे जब डिस्कवर हो गई, देन जो चीजें डिस्कवरी हुई वो मॉडर्न के अंदर आती हैं, क्योंकि उनके लिए इंफॉर्मेशन और बेस हमें एक्सरेज ने प्रोवाइड की थी। अब मेयरमेंट से रिलेटेड तो सबसे पहले देख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम। तो कोई भी चीज जिसको हम मेयर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज को हम क्वांटिटी के हवाले से, ये 2, 4, 10 हैं, तोल कर किसी भी तरह उसको माप सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब उसके लिए दो हिस्से होते हैं, उसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि व्हाट आर द टू करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। उसमें दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी नंबर होता है, और साथ यूनिट आता है। जिस तरह 5 किलो, तो 5 मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम यूनिट है। यूनिट भी हम चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। अब इसी की एग्जाम्पल एक देख लें, कि एक मिसाल है कि मेरे पास 100 का फिगर है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैं यूनिट चेंज करने लगा हूँ, यूनिट चेंज करने से कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल्स में भी कहते हैं यूनिट लिखना लाजिम है, उसके बगैर मार्क्स कट जाते हैं। 100 अगर यूनिट हो जाए पार्टिकल्स, तो वो बहुत ही थोड़ी तादाद है, ये चीनी के पार्टिकल्स लिए हैं, तो उनका वेट कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब इसी को अगर ग्राम कर दें तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, काफी ज्यादा है। फर्दर इंक्रीज कर दें 100 स्पून, स्पून भी एक यूनिट है, हम चम्मच में नाप के डालते हैं, 2 चम्मच चीनी डाल दो, 4 चम्मच, तो यूनिट चेंज हो रहा है। अगर 100 kg कर दें तो वो, उसकी मैं तस्वीर शो नहीं कर सकता, तो वो कितनी ही बोरियां बन जाएगी। तो इसी तरह यूनिट चेंज करने से भी, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और मैग्नीट्यूड भी। इसी तरह मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो दोनों चीजों का डिफाइन करना जरूरी है, प्रॉपर मैग्नीट्यूड और साथ यूनिट होना चाहिए। इसी तरह बाकी लेंथ, टाइम के अंदर भी मैग्नीट्यूड भी होता है, कुछ यूनिट भी होता है, मीटर, किलोमीटर, मिनट, घंटे, सेकेंड्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस यानी बुनियादी, और डिराइव्ड वो उससे माखज या अखज की हुई, उसी से निकाली गई हैं। कैसे?
बेस क्वांटिटीज हमें फाउंडेशन बुनियाद फ्राहम करती हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। सेवन बेस क्वांटिटीज हैं, टेबल आपके पास मौजूद है, उनको हम फर्दर देख लेते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स तीन दे दी। नेक्स्ट, डिराइव क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। तो डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हैं। उनके मल्टीप्लाई डिवाइड करने से और ज्वाइन करने से हमारे पास कुछ डिराइव क्वांटिटीज बन जाती हैं। आए चंद क्वांटिटीज देखते हैं जो बेस से मिलकर बनी हैं, इन्हीं की इलस्ट्रेशंस हैं। कि अब अगर मेरे पास एक बॉक्स है तो उसमें ये दो बेस क्वांटिटीज आ गई कि मैंने उसकी लेंथ मेजर कर ली, लेंथ, विड्थ एंड हाइट 29, 25, 11। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और कुछ यूनिट भी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी भी है और फिजिकल क्वांटिटी की नेक्स्ट टाइप है स्पेसिफिक बेस क्वांटिटी। मैस इसका 780 ग्राम शो हो रहा है। और डिराइव अगर क्वांटिटी देख ले तो इन्हीं को मिलाकर अगर दो साइड्स को मैं मिला दूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो उसका एरिया बन जाएगा जो मेरे पास 725 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। एंड फर्दर अगर तीनों डायमेंशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो ये लेंथ और मास बेस क्वांटिटी या वॉल्यूम एरिया डिराइव क्वांटिटीज है जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ये उन दोनों का डिफरेंस हो गया। इसी तरह फर्जल एग्जाम्पल एक पेपर की है, पेपर की दो डायमेंशन है, लेंथ है, और उन्हीं को मिलाकर एरिया बन गया। तो आप अपने गिर चीजों की जो है फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करके उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये बेस है कि डिराइव है। वॉल्यूम जो होता है, जिसने 1.5 लीटर की बोतल है, वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी में आता है। स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, तो अब हमने कुछ क्वांटिटीज मेजर की हैं तो उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीकाकार है। तो उसके दो स्टेप्स हैं, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेना है कि जिस तरह किलोग्राम या सेंटीमीटर हमने एक स्टैंडर्ड लिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। तो जिस चीज को कंपेयर करना है उसको स्टैंडर्ड से हम कैसे कंपेयर करें कि हमें सही वैल्यू मिल जाए। जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड है थर्मामीटर, अब हमने कंपेयर कैसे करना है। थर्मामीटर को हाथ में रख लें तो टेम्परेचर पता चल जाएगा, जुबान पे रखेंगे या जेब में डालें तो पता चल जाएगा। तो उसका एक मेथड है, प्रोसीजर है कि हम क्वांटिटी को मेजर करें, यानी कि उसको नॉर्मली मुंह में या बगल के नीचे रख के हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसी तरह फर्दर अभी जो लेंथ मेजर की है तो उसके लिए स्टैंडर्ड हमारे पास होता है इंच या सेंटीमीटर, और उसको कंपेयर करने का मेथड क्या है कि हम जो भी क्वांटिटी है उसको उसके साथ रखकर कंपेयर करते हैं, जो रीडिंग शो होती है हम वो बता देते हैं। इसी तरह टाइम को मेजर करने का, अब टाइम के लिए ये नहीं हम करते कि घड़ी को उतार के उसको किसी चीज के साथ रख के कंपेयर करें, उसका कंपैरिजन का प्रोसीजर और है, और इसी तरह मैथ मेजर करने का प्रोसीजर और है। तो मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी के लिए दो चीजें हैं, पहले स्टैंडर्ड हो जिसे हमने कंपेयर करना, और दूसरा हर एक मेजरमेंट के लिए एक प्रोसीजर है जिसे हम उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल स्टैंडर्ड, एक अच्छा बेहतरीन स्टैंडर्ड कौन सा होगा जो आइडियल हो, मिसाली हो। ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2019 ग्रुप ए में। आंसर, एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज टू कैरेक्टरिस्टिक, उसकी दो खसूसियात होनी चाहिए। इट इज एक्सेसिबल, वो पहुंच में हो, वो आसानी से मिल जाए। इट इज इनवेरिएबल, वो तब्दील ना हो, वो वैल्यू उसकी फिक्स ही रहे। अब आसानी से मिल जाने से मुराद है कि अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये आजकल आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 5-6 साल पहले ये नहीं मिलते थे। तो देन वेट करने के लिए दूसरा बैलेंस होता था, तराजू, जिसपे एक तरफ पत्थर रखते थे वो लोहे के, और दूसरी तरफ बाटे के अंदर डाल के मेजर करते थे। तो आजकल ये एक्सेसिबल है तो ये ज्यादातर यूज होता है। और इनवेरिएबल की मिसाल है कि वो चेंज ना हो। अब हम लोहे के वो बाट इस्तेमाल करते थे मेजर करने के लिए, अब उसकी जगह हम लकड़ी को भी तो ले सकते हैं कि लकड़ी का 1 किलो का वजन करके उसे रख लो, लेकिन उसमें हर्ज ये होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर पानी गिर गया तो लकड़ी पानी जज़ब करके वो फूल जाएगी, उसका वेट कुछ इंक्रीज हो जाएगा, तो वो तब्दील हो चुका है। इसी तरह अगर वो पड़ी पड़ी खुश्क हो गई तो हो सकता है उसका वजन कम हो, क्रैक्स आके टूट जाए, तो वो चेंज आ सकता है। लोहे का इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो गिरे, वक्त गुजरे, वो चेंज नहीं होता। तो स्टैंडर्ड के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए कि वो एक्सेसिबल हो पहुंच में, और इनवेरिएबल हो चेंज ना हो वक्त के साथ, ये ना हो कि रीडिंग के अंदर फर्क आ जाए।
अब इसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कि चीजों को मैयर किया जा सके। और उसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हम रोजमर्रा चीजों में लेन देन करते थे, तजारत होती थी, तो क्वांटिटी फिक्स नहीं थी। अब अगर मुठियां भर भर के चीज लेनी देनी है, तो अगर कोई बड़ा आदमी लेन देन करेगा तो उसके हाथ में चीज ज्यादा आएगी, छोटा आएगा तो कम हो जाएगी। इसी तरह लेंथ के साथ है कि पहले बालिश्त, गिट और कंधे के साथ लगाकर मैयर किया जाता था। तो अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी को मैं बता सकूं कि कपड़े की पैमाइश कितनी है। मेरा हाथ वक्त के साथ एक एज तक वो बड़ा भी होगा तो वैल्यू चेंज होती है। इसी तरह टाइम की मेजरमेंट के लिए और ग्लास यूज होता था, ये भी इतना रिलायबल नहीं था और ये वेरी करता था। देन एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या किया कि इन चीजों को स्टैंडर्ड बना दिए कि इनसे कंपेयर करके हम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो बेस यूनिट्स, द यूनिट दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो जो बुनियादी क्वांटिटीज जो 7 है उनको डिफाइन करेंगे वो बेस यूनिट्स हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनके बेस यूनिट्स गिवन है जो उसमें डिफाइन कर दिए गए। अब लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया, एक रॉड ले लिया और उसके ऊपर 2 मार्किंग्स लगा के कह दिया कि आज से ये मीटर है और पूरी दुनिया के अंदर यही इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक वेट को रख के फिक्स कर दिया गया कि इसको किलो हम कह देंगे, जो इससे डबल होगा वो 2 किलो है, जो इससे हाफ होगा वो हाफ केजी है। तो इस तरह कुछ चीजों को फिक्स करके स्टैंडर्ड बना दिया गया और वो वर्ल्ड वाइड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि अब जो लेन देन है वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स में होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो हमने कुछ देखे भी हैं अभी, एरिया और वॉल्यूम हमने पीछे देखा था कुछ क्वांटिटीज का। द यूनिट दैट डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज जिस तरह एरिया, वॉल्यूम और ये कुछ गिवन है इनको डिफाइन करें, वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब 2 यूनिट्स तो डिफाइन हो गए, बेस एंड डिराइव्ड। एक थर्ड टाइप आई जो क्लासीफाई नहीं हो सकी, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। द यूनिट्स दैट आर नाइदर बेस यूनिट और नॉट डिराइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये 2 यूनिट्स हैं जो ना बेस में आए ना डिराइव्ड में आए, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के। देखते हैं उसमें 2 प्लेन 2D एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल 3D स्टी रेडियन कहलाता है। प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, इस पे हम पेपर की मिसाल ले सकते हैं, व्हाइट बोर्ड की मिसाल ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। तो पेज पे जो भी हम ड्रॉ करेंगे, जैसा ये सर्कल है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो वो 2 डायमेंशनल फिगर आती है। तो रेडियन 2 डायमेंशनल एंगल है। और अगर हम उसमें एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर दें जो जेड एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस और एक तीसरा एक्सिस जो बाहर को आता है वो जेड एक्सिस, तो ये 3D बन जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल है, उसमें जो इमेज बनती है, जिस तरह फुटबॉल है या आपके गिर जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी 3 डायमेंशन हैं, तो लेंथ, विड्थ, हाइट, और वो 3 डायमेंशन में आते हैं। तो इसमें सॉलिड एंगल इस कैटेगरी में आता है। बाज़ूकात हम 2D प्लेन के ऊपर भी 3D इमेज को शो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जो भी इलस्ट्रेशन करनी है वो एक पीस ऑफ पेपर पेज पे ही करते हैं, तो वो डॉटेड से हम शो कर देते हैं कि कुछ आगे और पीछे वो शो हो रहा है, जिस तरह ये 3D शो किया गया है। रेडियन, रेडियन इज अ प्लेन एंगल, प्लेन यानी 2 डायमेंशनल में होगा, बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। रेडियस यानी कि जो सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस जो आउटर उसकी ये बाउंड्री है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो जो सेंटर से लाइन सर्कमफेरेंस पे आएगी स्ट्रेट लाइन, वो उसका रेडियस है। बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। तो 2 रेडियस के दरमियान वो सर्कमफेरेंस को कट करेंगे और एक आर्क बनेगी, ये जो दरमियान वाला एरिया ये आर्क कहलाता है। तो उस आर्क की जो लेंथ होगी वो भी रेडियस के इक्वल होगी। तो तीनों चीजें रेडियस बन रही हैं, एक सर्कल, सर्कल के अंदर 2 रेडियाई हैं, रेडियाई के दरमियान में जो आर्क बन रही है वो भी उसकी जो मेजरमेंट है वो रेडियस के इक्वल है। तो ये जो एंगल कहलाएगा ये 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये प्लेन एंगल है, 2D एंगल है। बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे एन आर्क, एक आर्क बनाएगा इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, जो रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी। स्टी रेडियन, स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है यानी 3 डायमेंशनल होगा,
सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर। अब जो स्फेयर है ये भी एक स्फेयर है, फुटबॉल भी एक स्फेयर आता है, तो सॉलिड एंगल होगा कहाँ होगा, उसके सेंटर पे, इस फुटबॉल के भी सेंटर पे आप एज्यूम कर सकते हैं। किस तरह का होगा, ये एक कोन शेप बनेगी, जिस तरह मैंने ये कोन एक शो की हुई है, तो वो कोन एक बन रही है। तो उस कोन की खासियत क्या है कि कोन का जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे ये ब्लू से जो हाईलाइटेड है कि जो फुटबॉल की सरफेस के ऊपर जो एरिया बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, कि दो रेडियस आ रहे हैं और जो एरिया वो कवर कर रहे हैं वो रेडियस का स्क्वायर है। तो जब क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेडियन या स्टी रेडियन, तो उसमें आप डायग्राम लाजमी बनाए, उससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है कि एक सर्कल बनाए और सेंटर से अगर दो लाइनें सर्कम फिर उसको टच कर दें तो वो रेडियन है, और उसी तरह अगर स्टी रेडियन बनाना है तो अगेन एक सर्कल बनाए और सेंटर से दो लाइनें आएंगी लेकिन वो टच नहीं करेंगी, वो क्या होंगी, वो आपस में आके एक वो गोल दायरा सा सरफेस बना देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे कि आर स्क्वेयर है उसका सरफेस का एरिया और ये दोनों जो लेंथ्स हैं वो रेडियस के इक्वल है, तो ये रेडियन और स्टी रेडियन। तो ये डायग्राम आपने क्वेश्चन में लाजमी बनानी है। तो आज रेडियन और स्टी रेडियन के अलावा बाकी तमाम चीजें वही थी जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, उन्हीं की कुछ डिटेल्स थी। और इन द एंड गैलीलियो का एक कोट कि यू कैन नॉट टीच अ पर्सन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम फाइंड विद इन देमसेल्व्स। तो मैं आपको बाहर से कोई चीज आपके अंदर नहीं डाल सकता, कोई चीज नहीं सिखा सकता, सारी कायनात आपके गिर्द बिखरी पड़ी है, इंफॉर्मेशन आपके अंदर ही मौजूद है, आपके अंदर ही सब कुछ है और वहीं आपने तलाश करना है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जा दिला सकता हूँ और यही मैंने चीजें की है, मिसालें आपके गिर्द बिखरी पड़ी हैं, तो अपने गिर्द देखें, फिजिक्स को तलाश करें, क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करें और उन चीजों पर सवाल उठाएं, जस्तजू करें और तलाश करें। अल्लाह हाफिज़।